नमस्कार, मैं हूं जिया सिंह उज्जैन। राज संवाद में आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में आगामी नवरात्र के त्यौहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जहां जिले के उपायुक्त, SSP धालबूम, अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों निकायों के पदाधिकारी समेत तमाम DSP समेत तमाम शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान तमाम पूजा समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान अपने अपने क्षेत्र से जुड़े समस्याओं को जिले के आला अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसे समय के तहत निष्पादन करने का आश्वासन उन्हें दिया गया। जिले के SSP ने खास तौर पर पूजा समितियों को निर्देश दिया कि तमाम पूजा पंडालों में फायर ब्रिगेड के वाहन के प्रवेश का रास्ता साफ रखा जाए, ताकि किसी भी आपातकालीन की स्थिति से निपटा जा सके। पदाधिकारी उनके साथ फोन करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कम्प्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कम्प्लीटली करेंगे, ट्रैफिक की व्यवस्था को कम्प्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कम्प्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी, वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ CCTV कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कम्प्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी उन पर भी कार्रवाई होगी, या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इस में खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। देखिए, सभी पूजा पंडाल समितियों ने साथ में बैठकर जो हम लोगों को तारीख दी है वो 13 तारीख दी है, और अगर 13 तारीख सभी के मत से आया है तो हम लोग उसी दिन विसर्जन भी किया। घटना घटी थी उसमें ड्राइवर जो था वो ड्रंक था और साथ ही साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि और व्हीकल की फिटनेस चेकिंग को भी हम लोगों ने जो प्राप्त किया उसमें वो नहीं था। इस बार सभी पूजा समितियों को हम लोगों ने ये डायरेक्ट किया है कि सभी से उन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और एफिडेविट प्राप्त किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई भी व्हीकल जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ड्राइवर जो है वो इच्छुक है उसको चलाने में, किसी भी तरीके से वो मदिरा पान या फिर किसी भी और नशे में नहीं है, और साथ ही साथ सभी अर्थाएं जो है उसके द्वारा ड्राइविंग की पूरी करी गई है, ये पूजा समिति को सर्टिफिकेट देना। और फायर, इलेक्ट्रिसिटी और बिल्डिंग, इन तीनों ही डिपार्टमेंट से जरूर जो है एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई चूक न रहे। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखें, इसके अलावा एग्जिट एंट्री पुलिस अलग अलग रखें, और हम लोग पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स करने जा रहे हैं। सादे निवास में भी हमारे पुलिस फोर्सेज जो है जगह जगह पर पूजा पंडाल हैं या जो मेला वाले स्थान हैं उन जगहों पर रिक्रूट करेंगे। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस रखी जाएगी। CCTV कैमरे सभी पंडालों में लगाए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी मुख्य चौक चौराहे जहाँ पर CCTV नहीं है वहाँ भी हमें CCTV कैमरे लगाए रहे हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर और एक अल्टरनेट जो है हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम करने का एक हम लोगों ने एक प्रयास किया है जो कि मुकम्मल तौर पर लागू रहेगा। फायर कंटेनमेंट से विशेष तौर पर फोकस भी रहेगी और साथ ही साथ हम लोगों का ये पूरा प्रयास है ट्रैफिक डाइवर्जन जहाँ जहाँ पर है वहाँ लोगों को पहले से सोचना रहे। जहाँ पर हम लोग पार्किंग के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, चूँकि कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पार्किंग के बारे में लोगों को सूचना रहे और लोग इन्हीं स्थानों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करें। नो एंट्रीज के बारे में लोगों को समय सूचना मिल सके। तो इस प्रकार से दुर्गा पूजा को लेकर के जिस प्रकार से हर वर्ष पूरी तैयारी रहती है इस बार भी की जा रही है। विसर्जन को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर विसर्जन के रूट में किसी प्रकार का डायवर्जन न हो, और खासतौर पर जहाँ ज़्यादा ढलान है जो ऐसे खासतौर पर जो घाट हैं उन जगहों को लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने बात की है पूजा समितियों से कि जहाँ ज़्यादा ढलान है वहाँ पर बड़े वाहन लेकर के बिल्कुल ही जाने की अनुमति नहीं होगी। हम लोग एक बैरियर लगा करके उनको पहले ही रोक देंगे जिसके बियॉन्ड गाड़ियाँ ना जा सकें, इसलिए कोई घटना ना हो सके। इसके अलावा सभी पूजा पंडाल
समितियों से आग्रह किया गया है कि वो जो भी गाड़ियों का प्रयोग विसर्जन के दौरान करेंगे, जिन भी ड्राइवर्स को लगाएंगे, उसमें ये एकदम निश्चिंत हो लेंगे कि वो गाड़ी ठीक कंडीशन में हो, उसके कागज़ दुरुस्त हों, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसी भी परिस्थिति में वो ड्रंकिंग स्थिति में ना हो। कुल मिलाकर के पुलिस और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और पूजा पंडाल समितियों से और लोगों से भी आग्रह करता है कि जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन करें, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल अच्छे माहौल में पूजा संपन्न हो।